ठीक है, सब का गुस्सा सड़क पे नहीं आता है। लोग कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, अपने अपने कामों में लोग व्यस्त हैं, इसकी वजह से उनका गुस्सा सामने नहीं आ रहा है। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है, उनको इसकी जानकारी नहीं, तो हमें जो कह रही है उनकी हरकतों के बारे में इनको जानकारी नहीं है, ये कहना उचित नहीं। क्या लग रहा है सर, आप ये जो इतना बड़ा मुद्दा है, मैसेज नहीं कन्वे हो पा रहा है या लोग समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैसेज तो पूरे देश भर में कन्वे हो चुका है। कौन कह रहा है मैसेज कन्वे नहीं हुआ है? आपको बता रहा हूँ, एक मैसिव प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है, जिस तरह 2 अप्रैल को लोग सड़कों पर निकले। आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा है, ये जैसे हम लोगों ने अभी कभी डिसाइड किया था कि इसको हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, बट आप देखेंगे कि दिल्ली में आज जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द सिंबल ऑफ दैट, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ी देर रुकिए यार, रोक नहीं, अखबार टेलीविजन में ये खबर नहीं है बहुजन के लिहाज से। वो तो हमारी खबर देगा नहीं, अखबार टेलीविजन हमारा मनुवादी मीडिया इस देश का, हमारी खबर तो देगा नहीं। तो इस देश के बहुजन समाज की आवाज़ को दबाने के लिए तो मनुवादी मीडिया को खड़ा किया गया है, तो उसके लिए तो हमारी आवाज़ दिखाएगा नहीं। फिर भी हम लोग, मुझे लगता है कि ये मैसेज तो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे हुए हैं, सब स्पॉन्टेनियसली आए हैं, ठीक है। और मुझे लगता है नहीं, मैं संख्या के लिहाज से नहीं बोल रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा और वो भी हायर एजुकेशन में, उसको लेकर क्या लग रहा है कि लोग जो स्टूडेंट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनमें एक नेशन वाइज यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है, यूनिटी नहीं दिख रही है? देखिए, मैं अभी कल बॉम्बे से आया, बॉम्बे में लाखों लोग जो है रास्ते पर आने के लिए मतलब बातचीत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और आप देखेंगे कि बॉम्बे में 3-4 शायद लाखों लोग वहाँ पे आएंगे, प्रोफेशन के लोग हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दिल्ली में जैसे देखिए अभी जस्ट बिगिनिंग है, 12 तारीख को बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। जो इस तरह से जो देश में लोग दो पे हैं, बहुजन समाज के, ओबीसी एससी एसटी के लोग दो पर हैं, और किसी भी वक्त जो है ये बड़ा भयंकर गुस्सा है वो सरकार से। इसका क्या इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरह से लागू किया गया है, कृषि भवन नहीं है, कैसे मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आरक्षण कितने दिन में लगभग खत्म हो जाएगा, एक साथ खत्म हो गया है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है कि सरकार ने मतलब संविधान ने आरक्षण तो दे दिया था, लेकिन किसी भी एक पार्लियामेंट कानून बनाती है उसके बाद उसको कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर एक एग्जीक्यूटिव रूल बनाती है। और 100 पॉइंट वोटर रिजर्वेशन जो है, पार्लियामेंट ने तो एक्ट पास कर दिया था, लेकिन हायर एजुकेशन में उसको कैसे लागू किया जाए इसको लेकर कोई रूल नहीं, और जब रूल नहीं था तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब धीरे धीरे अंदर अंदर ही वायलेट किया जाता रहा। 2006 में पहली बार गवर्नमेंट ने प्रोफेसर राव साहब काले, जो कि अपने समाज के लिए बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, एक ये बताइए ओबीसी आरक्षण जो है वो 27% है, ओबीसी के लोगों में क्या 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 ट्रेंड है, क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनका आरक्षण सबसे पहले खत्म हो रहा है? नहीं, दरअसल कुछ हद तक आपकी बात सही है कि ये बात थोड़ा सा टेक्निकल मामला है कि बिना किसी कानून मतलब जो रिजर्वेशन का कानून है वो एज इट इज है, उससे लोगों के मन में ये परसेप्शन जा रहा है कि कानून तो है ही, कानून में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है, लेकिन बदलाव दरअसल नियम में हो रहा है कि कैसे रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको लेकर वो बदल दिया जा रहा है। और इससे लगभग मतलब जिसको कहते हैं कि कानून रहेगा लेकिन आपके पास कोई सीट नहीं रहेगी, रिजर्वेशन एज ए सिस्टम रहेगा, रिजर्वेशन के नाम पर दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी, पीएच, ये सारे लोग गाली दिए जाएंगे, लेकिन दरअसल यूनिवर्सिटीज में कोई भी उनके लिए कोई एक सीट नहीं आएगी, वो नियम इस तरह से ट्विक कर दिया जा रहा है, या इस तरह से उसमें उसकी संरचना में ही बदलाव करके धीरे धीरे लगातार। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग अनशन पर थे, लंबा स्ट्राइक चला, आज बड़ा प्रोग्राम भी है, और देश भर में खबरें आ रही हैं कि लोग अनशन पर बैठ रहे हैं, धरना पर बैठ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए खबर नहीं है, सोशल मीडिया इसको अपना खबर बना रहा है, और धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में लोग प्रोटेस्ट पर हैं, और अब सोशल संगठनों के भी लोग आने लगे हैं। दिलीप मंडल साहब हैं, पत्रकार भी हैं, सर मीडिया के लिए खबर नहीं है, ये तो बाजू समझ में आती है चीज़।